हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्विंस बेबी मामा डॉट कॉम चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में आम के बारे में, कितना खाना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आम में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो हमको आम प्रेगनेंसी में जरूर खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आम खाने के क्या क्या फायदे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आम में जो है कुछ मात्रा में आयरन पाया जाता है, क्योंकि आम में जो विटामिन सी होता है वो जो भी हम अपनी बॉडी में आयरन लेते हैं उसका अवशोषण करने में काफी ज्यादा मदद करता है और इसमें विटामिन सी भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये दोनों ही चीजें जो प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, उसको काफी हद तक रोकने में मदद करता है। तो हमको आम जरूर लेना चाहिए। दूसरा फायदा है, हमारे भ्रूण के विकास में बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। आम में जो है फॉलिक एसिड पाया जाता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका संबंधी विकार, इसका जो खतरा रहता है उसको भी कम करने में काफी हद तक दूर करता है। तीसरा फायदा होगी, हमारे पाचन में काफी ज्यादा मदद करता है। और चौथा फायदा है कि इसमें फाइबर जो होता है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये हमारी प्रेगनेंसी के दौरान जो कब्ज की समस्या होती है उसको काफी हद तक दूर करने में मदद करता है, क्योंकि कब्ज और गैस की समस्या प्रेगनेंसी में होना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होती है। आम में जो है एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है और ये जो विटामिन सी होता है आम के अंदर, ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होता है। और ये क्या करता है कि जो हमारी प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है, मतलब समय से पहले जो डिलीवरी होती है, उसके चांस को भी कम कर देता है अगर आप गर्भावस्था के दौरान आम लेती हैं तो। और इसमें जो है विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन ए जो होता है वो हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। विटामिन ए से क्या, हमारी जो आंखों की रोशनी होती है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस होना बहुत ही ज्यादा आम बात होती है। तो आम जो होता है वो हमें मॉर्निंग सिकनेस में भी प्रेगनेंसी के दौरान काफी हद तक राहत देता है। आम में जो है बहुत ही अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम का जो काम होता है, जो हमारे बेबी का विकास हो रहा होता है, बेबी के विकास में जो भी अवरोध होते हैं उनको दूर करने में काफी हद तक मदद करता है। और अब हम बात करते हैं आम खाने का सही समय क्या होता है। तो आम खाने का जो सही समय होता है, आप इसको नाश्ते के टाइम ले सकते हैं या फिर जो है आप इसको खाना खाने के बाद लें। अगर आप नाश्ते के टाइम पे लेती हैं तो आपको इससे बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील होगा, बहुत ही अच्छा फील करेंगे। और अगर आप इसको खाना खाने के बाद में दोपहर में लेती हैं, इससे आपका जो खाना है वो बहुत ही आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। आम जो है आपको प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ आधा कप ही लेना है। आप पीसेस में काट के आधा कप को नाप लें और आधा कप से ज्यादा आपको आम बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि आम जो होता है वो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है और इसकी जो तासीर होती है वो भी बहुत गर्म होती है। तो इसलिए मना किया जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आम बहुत ज्यादा मात्रा में ना खाएं। किसी भी चीज का सेवन लिमिट से ज्यादा करते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाती है, और आप इसका आराम से लिमिट में सेवन कर सकती हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको आम खाने के बाद में कोल्ड ड्रिंक, दही, पानी, बहुत ही मिर्च मसाले वाला खाना और करेला, इन चीजों का सेवन आप गलती से भी ना करें, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। और अगर आपको इन सब का सेवन करना ही है तो आप जो है 2 घंटे बाद ही करें, और आम खाने के बाद में गलती से भी चाय वगैरह पीने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। अब हम बात करते हैं, अगर हम प्रेगनेंसी में लिमिट से ज्यादा आम खाते हैं तो हमको कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कोशिश करें कि आपका अगर फर्स्ट मंथ से लेकर के थर्ड मंथ तक प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है तो आप उस समय जहां तक हो सके आम को अवॉइड करें। और अगर आप लेती भी हैं तो बिल्कुल छोटा सा पीस ही खाएं, क्योंकि आम बहुत गर्म होता है। तो स्टार्टिंग के 3 मंथ आपको जरूर परहेज करना चाहिए, और अगर आप फिर भी खाती हैं तो एक बार आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। सबसे पहला जो नुकसान है वो ये है कि अगर आप ज्यादा मात्रा में आम खाती हैं तो आपको डायरिया की समस्या हो सकती है, क्योंकि आम बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी। दूसरा नुकसान है, आपको पूरी बॉडी में एलर्जी हो सकती है, आपको खुजली और सूजन की भी समस्या हो सकती है अगर आप ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करती हैं। और तीसरा है, जो पका हुआ आम होता है उसमें बहुत ज्यादा हाई कैलोरी होती है, तो अगर आप इसका ज्यादा सेवन करती हैं तो इससे आपको डायबिटीज का खतरा भी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है, तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है। और आम में जो है कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो अगर आप इसको बहुत ज्यादा मात्रा में ले सकती हैं, इससे आपका ओवरवेट बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है।
और अगर आप जो है इस समय आम का अचार लेती हैं बहुत ज्यादा मात्रा में तो आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है और साथ ही आपका जो है ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आम खाने के तुरंत बाद आपको बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना या मिर्च मसाला नहीं लेना है। तो आम का जो अचार होता है उसमें काफी मात्रा में बहुत ही ज्यादा मिर्च मसाला वगैरह पड़ा रहता है, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है। हम बात करते हैं कि आप आम को किस तरीके से खा सकते हैं। आप जब भी आम को खाने जाएं तो आप उसको बहुत ही अच्छे से पहले वॉश कर ले, उसके बाद में आप उसका छिलका उतार के तभी खाएं। आप आम का जो है मैंगो शेक बना के डिजर्ट के रूप में भी खा सकती हैं और आप आम को जो है स्मूदी के रूप में भी आराम से खा सकते हैं। और प्रेगनेंसी में कच्चा आम भी बहुत फायदा करता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कच्चा आम भी इस समय खाती हैं तो आप आधे आम से बहुत ज्यादा आम ना खाएं, क्योंकि अगर आप ज्यादा आम खाती हैं पेट दर्द की समस्या हो सकती है। कच्चा आम अगर आप इस समय लेती हैं सही मात्रा में तो इससे आपको डिहाइड्रेशन डाइजेशन समस्या दूर हो सकती है। तो ये कुछ छोटी सी जानकारी थी आम के बारे में, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। और मेरे चैनल पे आपको इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेंगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर ट्विंस बेबी से रिलेटेड।